हमारे यहां संस्कार जो हैं बच्चों को बचपन से ही माँ बाप को देना चाहिए। आजकल अच्छा बताओ बच्चे लापरवाह हो गए हैं कि माता पिता? बच्चे मोबाइल चलाते हैं ज्यादा कि माता पिता? और दोष किस पर लगाया जाता है? बच्चे बड़ा मोबाइल चला, बच्चे नहीं चलाते मोबाइल, माता पिता चलाते हैं। माँ बाप चलाएंगे तो बच्चे वही सीखेंगे जो आप करते हैं। यदि माँ बाप कम मोबाइल चलाएं तो बच्चे भी कम मोबाइल चलाएंगे। माँ बाप पकड़ा देते हैं बेटा मोबाइल तू चला, अब बेटा चलाता है मोबाइल, माँ बाप अपने बिजी हैं काम में। इसलिए बच्चों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, बच्चों को थोड़ा सिखाओ, बैठो, प्यार करो बच्चों के साथ, खेलो बच्चों के साथ, खेल खेल में शिक्षा देने की कोशिश करो। मोबाइल देना समाधान नहीं है। आप माँ बाप बच्चों को संस्कार नहीं देते इसलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं। स्कूलों में बच्चों को क्या मिल रही है? शिक्षा। स्कूलों में क्या मिल रही है? अच्छा संस्कार मिल रहे हैं क्या स्कूलों में? संस्कार है? बोलो हाँ कि ना। स्कूलों में केवल शिक्षा है, संस्कार कहाँ देंगे? घर पर। माँ बाप इसलिए कथा सुनाओ बच्चों को, मोबाइल पर सुना दिया करो अच्छी बातें, बच्चों पर थोड़ा अनुशासन रखो। क्या रखो मेरी माँ? अनुशासन जरूरी है। 5 वर्ष तक बच्चे से खूब लाड़ प्यार करना, पर 6 वर्ष के बच्चे से ना थोड़ा आंखों से आंखें मिलाकर बात करना, तूने गलती क्यों की, थोड़ा डांटना, थोड़ा सा भय जरूरी है। गलती करने पर बेटे का जूता, आपका जूता जब बेटे के पांव में बराबर फिक्स आने लग जाए, बाप और बेटे का जूता एक हो जाए एक नंबर का, तो बाप को अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर बाप बेटे का रिश्ता खत्म करके और मित्रता दोस्ती की तरह दोस्तों की तरह रहना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। बच्चों के साथ पिता कैसे रहे? दोस्तों की तरह व्यवहार कर, मित्रवत व्यवहार। कि बेटा यदि आप अपने बेटे के मित्र बन जाओगे तो वो हर बात आपसे अच्छी और बुरी शेयर करेगा, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत, आप उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए समय है तो प्यार करो, समय है थोड़ा भय दिखाओ, और समय है तो खूब साथ में गले पर हाथ रखकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ो। ये संस्कार रहे हैं हम भारतीयों के। लेकिन आज संस्कार पीछे हो गए और हम लोगों ने आधुनिकता के नाम पर अपने संस्कार बहुत पीछे कहीं छोड़ दिए। आप में से कितने लोग भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं? कितने लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए? मुस्लिम राष्ट्र हैं, जब मुस्लिम देश हो सकते हैं बहुत सारे, लगभग 52 मुस्लिम देश हैं और पूरे टोटली वो मुस्लिम देश हैं, तो एक पूरी दुनिया में हिंदुओं का क्यों नहीं हो सकता, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। आप कितने लोग चाहते हैं एक बार पुनः, एक बार मुझे फिर याद दिलाओ, कितने लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? जो चाहते हैं वो फुल हाथ सपोर्ट में उठाएं। आप नहीं चाहते? उठाओ हाथ। हिंदू राष्ट्र तो हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा। यदि आप भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो आप बस एक काम कीजिए कि आप पहले स्वयं हिंदू बन जाइए। अभी आप ना पूरे हिंदू नहीं, आपके अंदर हिंदुओं का जो लक्षण होना चाहिए वो नहीं है। हमारे बीच आज क्षेत्रीय यहां के सांसद जी आए हैं एक बार सुंदर तालियों के साथ, आप श्री का स्वागत।
अतिथि के रूप में आज पधारे हैं। इन्होंने सुना तो बहुत था कि मेरठ में भक्त लोग पानी में बैठ बैठ के कथा सुन रहे हैं, आज इनका मन हुआ चलो देख के आते हैं, तो आज आप लोगों का दर्शन करने आए हैं, आपकी श्रद्धा को प्रणाम करने आए हैं। ये सुनिए, हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं यदि भारत को, तो पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो यह कि आप सब अपने माथे पर तिलक लगाना स्टार्ट कीजिए। दूसरा, आप अपने बच्चों को पोयम नहीं भगवद गीता और रामचरितमानस की चौपाइयां याद कराना स्टार्ट कीजिए। तीसरा, कम से कम एक दिन संडे के संडे धोती कुर्ता पहनकर बाजार में निकलना शुरू कीजिए। धोती कुर्ता जो भारतीय पहनावा आपके दादाजी कांच लगाते थे, याद है आप लोगों को? आपके दादाजी नाना जी कैसे कपड़े पहनते थे? धोती और कुर्ता, पजामा नहीं, धोती और कुर्ता, धोती कांच लगाकर, ये पहनावा हम भारतीयों का रहा है। लेकिन आजकल लोग आप पैंट शर्ट पहनते हैं, कम से कम 7 दिन आप पैंट शर्ट को देते हैं, एक दिन तो अपने भारतीय पहनावा को दें। आप नहीं पहनेंगे तो बताओ फिर धोती कुर्ता की उम्मीद आप पाकिस्तानियों से करेंगे क्या? बताओ। इसलिए देश आपका है, किस किस का देश है ये भारत देश, किस किस का है? यदि देश आपका है तो देश की संस्कृति और संस्कारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। तो कौन कौन करेगा? धोती कुर्ता एक दिन बाजार निकलो, धोती कुर्ता पहनो, माथे पर तिलक लगाओ, जाओ बाजार, हिंदू हो हिंदुओं के पहनावे में आओ।